सेम डे होटल पहुंच के थोड़ा सा फ्रेश होके हम लोग निकल गए लंच के लिए, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं है, ट्रेन में थे। तो बर्लिन टू प्राग हमें आने में लगे 4.5 घंटे, 4.5 आवर्स। तो कुछ खाया नहीं इस बीच हमने, तो अभी हम खाना खाने जा रहे हैं थोड़ा सा। फिलहाल हमें एक मॉल मिल गया है, तो हम एक के अंदर देखते हैं अगर कुछ खाने के लिए यहाँ पे मिल जाए। और काफ़ी भरा भरा है, और यहाँ पे ना प्राग में टूरिस्ट ज़्यादा हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट ही हैं, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस ही है एक्चुअली। इट्स अ फुल्ली टूरिस्ट प्लेस। मुझे नहीं पता यहाँ पे अगर किसी घर भी होंगे। और यहाँ पे हम कुछ खाने को ढूंढ रहे हैं, होपफुली कुछ मिल जाए। तो हम आए हैं किसी मॉल में, भूख लग रही थी, सोचा थोड़ा शॉपिंग भी कर लेंगे और कुछ खा भी लेंगे, और देखते हैं क्या प्लान होता है आगे। ये बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। और हमें यहाँ दिख गया बॉम्बे एक्सप्रेस, और इतनी खुशी हुई बॉम्बे एक्सप्रेस देख के। और यहाँ पे फ़िलहाल मैंने कुछ तो शिकंजी टाइप इन्होंने मुझे दिया है पीने को, तो बड़ी खुशी हुई यहाँ पे इंडियन खाना देख के, तो ऑर्डर कर दिया है। और इन्होंने यहाँ पे ये कुछ तो दिया है अलार्म टाइप का, ये बजेगा अगर हमारा यू नो ऑर्डर रेडी हो जाएगा, तो तब तक हम इसको पीते हैं, इससे काम चलाते हैं। थैंकफुली मुझे आज इंडियन थाली मिल गई। ये पनीर, ये पनीर क्या है, पालक कुछ लग रहा है, छोले हैं, सैलड लग रहा है। वाओ, यहाँ पे पेडेस्ट्रियन वालों के लिए भी रेड लाइट्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, तो जब आपको मतलब वो ये ग्रीन है तभी आपको रोड क्रॉस करनी है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती हैं, 120 140 तो यहाँ नॉर्मल चलती हैं गाड़ियाँ, तो यहाँ पे ये चीज़ फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। तो आज की कहानी ये है कि आज सुबह 3:15 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि हमें आज निकलना था, आज हमने चेकआउट कर दिया बर्लिन से, और हमने सोचा एक न्यू कंट्री घूम के आते हैं, कोई नियरेस्ट कंट्री, क्योंकि टाइम तो पर्पज़ ज़्यादा है नहीं, तो पास में जो कंट्री थी हमें वही घूमनी थी। तो क्योंकि हमें म्यूनिक भी जाना है, तो हमको लगा कि ऐसा जाते हैं कि हम म्यूनिक भी पास में है और कंट्री भी कवर हो जाए। तो हमारे एक कलीग ने सजेस्ट किया कि हम चलते हैं प्राग, यार बहुत ऑसम कंट्री है, जहाँ से बर्लिन ख़त्म होता है या उससे थोड़ा सा पहले से हमने ट्रेन बुक की थी, और इतनी सुंदर, ऐसा लगता है स्विट्ज़रलैंड आ गए, इतने ब्यूटीफुल ऐप्स और रिवर और रिवर साइड घर, यहाँ के मतलब गांव ही होंगे शायद वो, यहाँ के जो भी है, क्योंकि गांव इसलिए बोल रही क्योंकि घास फूस भी थी थोड़ा सा उनके, शायद कैटल्स वगैरह भी थे, गाय बच्चे जो भी हैं, बड़ी सुंदर जगह थी यहाँ प्राग से पहले जो जगह पड़ी थी रिवर के साइड में, इतने प्यारे प्यारे घर। और यहाँ के घरों की ना एक बड़ी अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे ना घरों में, आपको यहाँ पे हर बैल्कनी में, आपको यहाँ पे हर बैल्कनी में फ्लावर पॉट्स मिलेंगे, ढेर सारे फ्लावर्स मिलेंगे, और मतलब हाँ ये तो मैंने जर्मनी में भी देखा, बर्लिन में भी, और यहाँ भी जो घर होंगे ना उनकी बैल्कनीज में, चाहे वो कितने भी फ्लोर्स के घर होंगे, उनके बैल्कनीज में आपको फ्लावर्स मिलेंगे, पॉट्स मिलेंगे, मतलब वो बैल्कनी बड़ी अच्छे से डेकोरेट करके रखते हैं। ये जो जर्मनी की करेंसी थी यूरो, वो तो 80-82 रुपया है 1 यूरो, और यहाँ पे जिक चलता, यहाँ का है 3.5 या 3 रुपया ऐसी है। यहाँ के खट्टे मीठे तजुर्बों में खट्टा खट्टा तजुर्बा ये हो रहा है कि यार यहाँ वॉशरूम्स पेड है साला, कहीं पे 50 मतलब आधा यूरो, कहीं पे 1 यूरो, मतलब 80-82 रुपये यार बाथरूम जाने के, तो मतलब पानी खरीदो तो भी महंगा, पानी निकालो तो भी महंगा, यहाँ ये चीज़ थोड़ा सा महंगी पड़ जा रही है। और कल एक पानी की बॉटल ली जो कि 2.5 यूरो की थी, छोटी सी आधा लीटर की बॉटल 2.5 यूरो, 2.5 यूरो का मतलब कितना हुआ, 200 रुपये करीब। मतलब हम तो ना यूरो का हिसाब ही लगाने में रह जा रहे हैं, क्योंकि कुछ भी ले रहे हैं तो ये काउंट कर रहे हैं, काउंट करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी तो, उनको तो सैलरी भी यार यूरो में मिलती है, हम लोगों को तो रुपीज़ में मिलती है ना, तो हमें सोचना पड़ रहा है, हम लोग को पहले कैलकुलेट करना पड़ रहा है कि कितना यूरो होगा। तो अब मैं जा रही हूँ अपने कलीग्स लोगों को कैच करने, तो मैं आफ्टर लंच थोड़ा सा घर आ गई थी, मैंने रेस्ट कर लिया था, वो लोग वॉक पे निकल गए थे, तो अभी मैं थोड़ा सा 1 घंटा फ्रेश होके अब मैं फिर से जा रही हूँ उन लोगों को कैच करने। 2-2.5 किलोमीटर की वॉक है, वो घूमते घूमते कहीं तो बहुत आगे निकल गए, तो मैं सोची हूँ यहाँ से मैं वॉक करते हुए जाऊँ, थोड़ा सा वॉक का आनंद लूँ, क्योंकि यहाँ सभी लोग ज़्यादातर वॉक ही करते हैं। सो लेट्स सी, अभी मैं जा रही हूँ चार्ल्स ब्रिज। ये
देख के मुझे बस एक ही चीज़ याद आ रही है, गलियाँ गलियाँ तेरी गलियाँ, मुझको भावे गलियाँ तेरी गलियाँ तेरी गलियाँ। 1 किलोमीटर वॉक में कर चुकी हूँ और यार यहाँ ना वैसे वॉक करने मज़ा आ रहा है। देखो कितना सुंदर लग रहा है क्योंकि हम सभी वॉक कर रहे हैं और किसी ने भी मास्क नहीं पहना है सिवाय मेरे। मैं लग रही हूँ ऑड वन आउट। छूटा जिया बैरागी, ये बात वहां तक ना पहुंची, ये चोट जिया तक ना। देखते हैं और कितना वॉक करना है, लेट्स सी। श्योर लोग ना मुझे देख रहे हैं कि किससे बात करते हुए जा रही है, मतलब व्लॉगिंग करती हुई जा रही है। बट अच्छा लग रहा है वॉक करना, ठंडी ठंडी हवा आ रही है यार। बर्लिन से तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बर्लिन सिटी थी, मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर है। देखो अपने रिकॉर्ड वॉक कर ली यार, तो मज़ा आ गया, इतनी वॉक कर ली और मुझे वॉक करने में इतना मज़ा कभी नहीं आया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे वॉक करना और इधर साइड को मेरी रिवर है। वाह, पहले हम सोचे थे कि यहाँ आए या नहीं आए, बट बहुत अच्छा रहा आने का डिसीजन हमारा यहाँ पे। बहुत अच्छा किया कि आ गए क्योंकि बहुत अच्छी जगह है, मुझे ना ऐसी जगह ज़्यादा अच्छी लगती है, हरी भरी नेचर। सोची हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं दे दूँ, रास्ता तो घटेगा कम से कम। बेस पे लोग कहाँ से आ जाते हैं, वाओ। ओके देखो ये रिवर, वैसे बहुत बड़ी रिवर है, जो मैं आपको रास्ते से दिखाई थी ना ऐसी सी। वाओ, इस अच्छी सी जगह में एक फोटो तो बनती है यार, एक फोटो तो बनती है। के जैसे बजती है, तो सुंदर लग रहा है। संगीत की ना कोई जुबान, संगीत में है गीता कुरान, संगीत में है खो गई तो। दूसरा देश है, अनजान शहर भी नहीं है, अनजान देश है, फिर मेरे को लहर कहाँ खोएंगे। चल लेते हैं पैदल, पहले मुझे लगा उबर करके आ जाती हूँ, फिर यार ये वॉकिंग एक्सपीरियंस नहीं आता ना उबर करके। जैसे तुझको बनाया गया है। देखो सिर्फ 500 मीटर्स रह रहा है, मैंने मेरे पीछे फूल देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। पता नहीं ये लोग कहाँ जाके बैठ गए, मैं तो जाके सो गई थी, बट ये काफी चल के आए यार। गली में घुस गए यार, मैं सही भी जा रही हूँ ना, बस जाए जा रही हूँ, आई डाउट। यार आपको ना यहाँ पे हर गली में रेलवे ट्रैक्स मिलेंगे, मतलब यहाँ पे ना कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप देख रहे हो रोड्स में, मतलब रोड में ट्रेन्स भी चल रही है, ट्रैम्स भी चल रही हैं और गाड़ियाँ भी चल रही हैं, बढ़िया कनेक्टिविटी है यहाँ पे। आँखें भरती नहीं, वो लगाना याद आ रहा है मुझे। नहीं,
तो मैंने अपने टीममेट्स को ढूंढ लिया, तो फिर हम लोग गए चार्ल्स ब्रिज की ओर। चार्ल्स ब्रिज सबसे पुराना ब्रिज है, ये 13th century में बनना शुरू हुआ था। इसको बनने में पूरे 45 साल लगे थे। इसको वहाँ के किंग चार्ल्स ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम पड़ा चार्ल्स ब्रिज। तो ये जो रिवर है इसका नाम वल्टावा या वल्टावा है। तो इस रिवर को क्रॉस करने के लिए एकमात्र पुल या फिर ब्रिज उस टाइम पे था, एकमात्र ब्रिज था जो ओल्ड सिटी को प्राग कैसल से कनेक्ट करता था और बाकी के एरियाज को कनेक्ट करता था। तो ये एकमात्र ब्रिज था। और ये देखो, एक कोई तो थे पेंटर जो बहुत सुंदर सी पेंटिंग बना रहे थे चार्ल्स ब्रिज की। जो प्राग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड सिटी है, यू नो, इट्स वेरी रिच इन इट्स हिस्ट्री और बहुत ही ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड है। और ये ब्रिजेस दिख रहे हैं, ये बैक टू बैक 5 ब्रिजेस ऐसे दिखते हैं, मतलब यहाँ के 5 फेमस ब्रिजेस हैं। बट हाँ, चार्ल्स इज़ द ओल्डेस्ट वन एंड मोस्ट फेमस वन। और हम भाग गए हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर चल रहा था बास्केटबॉल मैच और हम देखने पहुँच गए। सोचो यहाँ पे कुछ क्रूज़ राइड ली जाए, बोट राइड। आपको दिख रहा होगा ये क्रूज़ है, तो ये प्रॉपर डिनर वगैरह भी सब कुछ करवाते हैं क्रूज़ में, पूरा घुमाते हैं और शोज़ भी होते हैं, तो काफ़ी मतलब अच्छा सा प्रोग्राम होता है। तो बट हम सोच रहे हैं कि ये 3-4 घंटे की भी होती है, 5 घंटे की भी होती है, पूरे दिन की भी होती है। आप देख सकते हैं लोग बैठे हैं, टेबल्स लगी हुई हैं, तो ये पूरा क्रूज़ है। तो बट हम सोच रहे हैं हमें कुछ 1 घंटे का मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है एज़ यूजुअल। तो ये है एग्जैक्टली चार्ल्स ब्रिज। तो जैसे कि अपने इंडिया में होता है, जब कोई चीज़ दुकानदार को बेचनी होती है तो उसके सेल्समैन रोड में खड़े रहते हैं बेचने के लिए, ऐसे ही यहाँ पे हुआ। हमें एक बंदा मिला, उसने बोला कम टू आर क्रूज़, कम टू आर शिप। तो हम उसके साथ चल दिए और फाइनली हमने टिकट्स ले ली। तो हमारी जो राइड है वो 1 घंटे की राइड है और वो मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इतना ही, बाकी चीज़ें देखेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी एंटरटेनिंग लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर।